कैसे हो? सुबह की शुरुआत ट्रैफिक से, लिटरली दुबई शारजा एग्जिट है ना, सॉलिड रश रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग। इतना रश है ना, आप लोग देख सकते हो, पता नहीं मेरे को, फुल टू जाम है, फुल जाम। डेली मॉर्निंग का यही यही हाल है दुबई शारजा एग्जिट। गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए यार, यहाँ पर कुछ तो करे ऐसा कि जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है ना डाइवर्ट होए। हर जगह बस दुबई शारजा एग्जिट पे इतनी ही रश है। या तो फिर गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए कि दुबई का जो रेंट है वो कंट्रोल करे, जिससे क्या है हर आदमी अफोर्ड कर पाए वहाँ पर भी रहना। अगर वहाँ दुबई में काम करते हैं तो रहना शारजा पड़ता है, क्या करें। हम लोगों को रेंट भी देखना है, इतना दुबई में हाई रेंट हो गया है कि बंदा शारजा के लिए ही फर्स्ट उसका ये रहता है कि नहीं यार चलो शारजा में रेसिडेंसी थोड़ी सी सस्ती है, घर सस्ते हैं यहाँ पर। फैमिली को जब लेके हम बैठते हैं तो हमें ये सब सोचना पड़ता है। तो लेकिन गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत रेंट अगर दुबई में भी कंट्रोल करे ना, कि थोड़ा कम करे, तो बंदे दुबई से कहीं नहीं जाए, कमाए भी दुबई में, रहे भी दुबई में, क्या आने जाने की बहुत सहूलियत हो जाती है। किस किस को ऐसा लगता है कि ये सही बात है? कौन मेरे साथ में मीन्स एग्री करता है? कैसा होना चाहिए? यहाँ पर हाफ एन आवर्स 45 मिनट्स तो सिर्फ लिटरली शारजा बॉर्डर से ले के दुबई एग्जिट होने के लिए कहीं नहीं जाता है। हाफ एन आवर्स तो कहीं नहीं जाता है, इतना मीन्स बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं। ऑफिस जाना है, लाजमी ट्रैफिक झेलना है, चाहे किसी भी मीन्स ऐसे ज़रूरी नहीं कि फ्री हो, चाहे वो सालिक हो, हर जगह यही इशू आ गया है। पहले ऐसा था ना कि दुबई शारजा इस पर सालिक नहीं था ना, तो मुझे ऐसा लगता था वहाँ पर कम ट्रैफिक है, बट अभी जब जब से सालिक लग गया ना, और भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे नहीं पता है किसी और को भी ऐसा फील होता है या नहीं होता है। और सुनो, ये तो डेली का है ये जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो ये तो डेली हो जाता है यार, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक है, क्या करें। इसके साथ हम लोगों को जीने की आदत हो गई है, सही है। जिस समय हमें ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, वैसे ही मुझे लगता है हम ट्रैफिक के बगैर जी नहीं सकते, या ट्रैफिक दे के बगैर या झेले बगैर जी नहीं सकते हैं। ऐसा महसूस करते हैं हम हमारी लाइफ में एक बहुत अगर ट्रैफिक नहीं रहे तो बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे देखो शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने जो बैक साइड में दिखाई दे रहा है ये पूरा शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, पता है यहाँ लोग ना डिवाइडर जो हाईवे ये वो सब डिवाइड होते हैं ना, वहाँ पर फेंस कि लोग ना यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, मीन्स रोडों पे ये फेंस लगने की वजह से ना एक्सीडेंट्स की कमी है, बहुत कमी है। फुट ब्रिजेस बने हुए हैं बट ये फेंस बहुत अच्छा है, वरना फिर अगर जब रोड खाली होता है ना तो स्पीड यहाँ की 100 है, तो बहुत मीन्स डेंजरस है ना लोगों को क्रॉस करने के लिए। ये जो झाड़ दिखाई दे रहा है, ये जो सारे जो झाड़ है यहाँ पर,
जो ऐसे बड़े बड़े हरे वाले झाड़ है, बॉर्डर्स जैसे बने हुए, देखिए दिखाई दे रहा है ग्रीन जैसा। ये बॉर्डर है ना दुबई शारजा को डिवाइड करने के, ऐसे बॉर्डर हर मुल्कों में होना चाहिए, है ना, हरियाली वाले बॉर्डर। हर मुल्क में अमन और शांति होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत दुनिया है, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इसमें इतना इतना हर सहूलत इंसान के लिए बनाई है, इतनी जगह बनाई है कि हर बंदा हर चीज़ एंजॉय कर सके और हर बंदे को अपनी जमीन हिस्से की जमीन मिलती है। फिर भी इंसान बस पावर के लिए लड़ रहा है, लड़े जा रहा है। ये नहीं समझता है कि यार एक ना तो एक दिन हमें दुनिया से जाना ही है। जितने दिन यहाँ है अमन और शांति से रहो, सुकून से रहो, एंजॉय करो लाइफ को, है ना। ऐसे बॉर्डर बने तो फिर कितना बेहतर है, हम जिस मुल्क में जाना चाहे हम उस मुल्क में जा सकें। किसी मुल्क में जाने की हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, बाउंड्रीज नहीं हो। जैसे हम पहले जब हमारे दादा परदादा के वक्त में कुछ 200, 300 या 500 साल पहले ऐसे लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी मुल्क में रहे, वो उनका दिल करता है ट्रैवल करने के लिए, वो ट्रैवल करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के। वहाँ पर जाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं माशाल्लाह। अभी तो यार इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इन लोगों ने बना दिए ना कि क्या बोलूँ, बस कहीं आ नहीं सकते, कहीं जाना है तो हमें हज़ार चीज़ों का ख्याल रखना है, हज़ार बातों का ख्याल रखना है। और दिल में इंसान की ये डर भी है कि पता नहीं यार क्या हो जाए उस मुल्क में अचानक से। हालात ही ऐसे चल रहे ना, क्या बोले, हालात के आगे ना हम लोग जा सके हैं ना आप लोग जा सकते हैं। फिर भी कोशिश तो यही होती है कि अमन से रहें, अच्छे से रहें, अच्छी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो कायनात हमारे लिए बनाई है उसे हम ज़्यूम करें, देखें। ज़िंदगी तो एक ही बार दी है, ज़िंदगी एक ही बार है, मौत भी एक ही बार आनी है। बनाई हुई नेमतों को खुशी से एक्सेप्ट करें और उसे एंजॉय करें। सही है कि नहीं सही है? यहाँ पर बेगिंग अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर यहाँ बिल्कुल बैगिंग अलाउ नहीं है। हुकूमत इतना रिस्ट्रिक्शंस है ना बैगिंग पे, यहाँ पर लिटरली बैगिंग अलाउ नहीं है। पता है यहाँ हुकूमत क्यों नहीं अलाउ करती है? क्योंकि लोगों ने इसे बिजनेस बना दी। यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है। तुम जाओ अपना जेन्यून रीज़न बताओ कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर, कि हुकूमत मदद करती है, ऐसा नहीं करती। बट अब ये रमज़ान आने से पहले है ना, क्या हो जाता है, लोग ऐसे लोगों को ना वीज़ों पे यहाँ पर बुलाते हैं और उन्हें सैलरी पे रखते हैं, पता है, सैलरी पे रखते हैं ऐसा करने के लिए, बैगिंग करने के लिए सैलरी पे आते हैं लोग। ये एक बिजनेस, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा रैकेट है ना कि अल्लाह ने मीन्स देखो ना, जो ज़रूरतमंद है ना वो बहुत हिचकिचाता है, मीन्स किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए, मीन्स उसके अंदर ना झिझक होती है।
जरूरतमंद है ना उसके अंदर झिझक होती है, खुलेआम कभी जल्दी मांगता नहीं है। ये तो एक्सेप्टेबल सभी को होगा कि अगर जरूरतमंद है तो उसकी गैरत उसे ना ये नहीं करती है, अलाव नहीं करती है। वो कोशिश यही उसकी रहती है कि वो अपनी मेहनत से हर चीज़ को बराबर सेटल कर पाए। एंटर करना है अभी अंदर, मुझे बहुत उससे सर्दी भी हो गई, काफी ज्यादा सर्दी हो गई और काफी ज्यादा सर्दी थी भी, 2-3 दिन से तो काफी ज्यादा सर्दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है, अच्छी हो गई हूँ। थैंक्स मेरे घर वालों के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, वरना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, इतनी ज़्यादा अब वो सर्दी मेरे से अच्छी हो गई है। बट अभी क्या करें, किसी ना तो किसी को जाएगा, वायरल है लाजिम जाएगा, तो मेरे बेटे को चली गई है मुझसे। अब हम लोग सब उसका ख्याल रख रहे हैं, फैमिली ना, फैमिली इसी को तो कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को समझें, सही है ना। जब बीमार हो तो एक दूसरे के मीन्स साथ हमेशा रहें। हम हमारी जब फैमिली रहती है ना, हम सबसे ज़्यादा मिस कब करते पता है, जब हम बीमार होते हैं हमारी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। अकेला बंदा है ना, कैसे भी जी लेते हैं, बट जब बीमार पड़ता है ना तो लाजिम अपने चाहने वालों को याद करता है। और हमारे चाहने वाले हमारी फैमिली हैं, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो, वो हमारी फैमिली है। सच वही हमारी असली फैमिली है। उस वक्त हम उनको ना बहुत मिस करते हैं, उनकी केयर को मिस करते हैं। यार वो रहते तो हमारे को ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, एक हम उस वक्त में ना सादा लोनली रहते हैं। मीन्स ऐसे तो ज़िंदगी में देखो, हम लोग अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, कमाते हैं, बस लेकिन जहाँ बीमार हो जाते हैं ना, वहाँ पर हम अपनों को बहुत मिस करते हैं, बहुत मीन्स बहुत। है ना, हर लोग, हर जन, हर दुनिया में हर बंदा इस दौर से तो गुजरता ही है कि हमारे केयर करने वाला कोई हो, हमें टाइम पे बोलने वाला कोई हो, दवाई देने वाला कोई हो, खाना बना कर देने वाला कोई हो, सही है ना। कौन कौन एग्री करता है मेरी बातों से, मैं जो बोल रही हूँ ये सही है, कौन एग्री करता है? मुझे उम्मीद है 99% लोग एग्री करेंगे, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी भी बस ट्रैफिक में ही हूँ यार, स्लोली 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 ऑफिस जा रही हूँ। इंशाल्लाह 1 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगी। बोल सकते हैं ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक को हम कुछ कर नहीं सकते। जो है वो अपने हिसाब से ही ट्रैफिक फ्लो होगी, सही है ना। और सुनो, सबकी मॉर्निंग, जो भी ऑफिस जाने वाले हैं, सबकी मॉर्निंग ऐसी ही जाती है ट्रैफिक में। कोई ऐसा बंदा नहीं बोलेगा यार मेरी मॉर्निंग तो एकदम
बगैर ट्रैफिक किए, बगैर इसके, नहीं, ऐसा बहुत रेयर बंदे हैं। क्या करता क्या मालूम। देखिए बस आगे खड़ी थी, बस स्टॉप है यहाँ पे का, बट लेकिन लोगों को क्या करें, लोगों को भी इतनी जल्दी है कि किसी को रुकना ही नहीं है, बेचारे बस को ओवरटेक करके जा रहे हैं। नहीं पता ऐसा भी देखेगी नहीं, यहाँ पे आरटीओ फाइन दे देगी। और एक्चुअल में बस बस थोड़ी सी ही जगह थी ओवरटेक करने के लिए, क्या करें, सबको ऑफिस जाने की गाई है, जाना तो है ऑफिस ही। सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेजर ट्रैफिक से हम बच गए हैं और अब हम हमारे यूजुअल रोड पर आ गए हैं जहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। अब हम गाड़ी दबाते हुए, स्पीड बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर। सही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो से, कुछ और बातों से, कुछ और गुफ्तगू से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।